कामलता चरित्र आधारित पुस्तक सत्व, लेखक परम पूज्य न्याय विशारद आचार्य देव, श्रीमद विजय भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराजा। धर्म से अशुद्धि मिट सकती है? हां, तो अनेक आत्मा धर्म करते हैं, तो उनकी अशुद्धि क्यों नाबूद नहीं हो रही? उन्हें नाबूद करनी ही नहीं है तो कैसे होगी? अशुद्धि को टालने हेतु प्रथम बुद्धि का होना अनिवार्य है। जब अशुद्धि को नाबूद करने की बुद्धि ही ना हो, इच्छा ही ना हो, तो धर्म भी क्या कर पाएगा? धर्म से मोक्ष प्राप्त होता है, परंतु किसे? जिसे मोक्ष चाहिए उसे। जिसे मोक्ष ही नहीं चाहिए, उन्हें धर्म मोक्ष तक कैसे पहुंचा सकता है? वैसे अशुद्धि को नाबूद करने के लिए भी यही नियम है। जिस उत्तम जीव को अशुद्धि को नष्ट करने की कामना है और धर्म करते समय यही लक्ष्य रखता है, उसको धर्म से अशुद्धि नाबूद करने का सत्व प्राप्त होता है। अशुद्धि नाबूदी की तमन्ना उदयकाल है। यह मानव आयुष्य काल उदयकाल रूप बीते, यह इच्छा है तो हृदय से यही तमन्ना रखो। फिर मन की सच्ची तमन्ना कोई ना कोई पुरुषार्थ अवश्य करवाएगी। तमन्ना है कि मैं ईर्ष्या, बैर विरोध, आपमति, स्वार्थांधता, विषय लंपटता आदि निजात्मा की आंतर अशुद्धियों को, भीतर के कचरे को बाहर निकाल फेंकूं। यह सोचने पर जब भी कोई लालसा जागृत होती, तब तुरंत मन सावधान हो जाएगा। अंतर की खामियां कैसे और कब थम जाए, इस बात पर ही विचारधारा स्थिर होगी। अरिहंत, अरिहंत का जीवन, महापुरुषों का जीवन जिनाग्ना को याद किया जाएगा। उनके आलंबन से दोष सेवन का प्रयत्न भी नहीं होगा। के ना कोई तारा गुणों में सरवाला, युगो सुदी जड़हड़ से भुवन भानु ना अचवाड़ा।